हेलो सोल सर्वाइवर स्क्वाड, आपका स्वागत है एक नए और मैच में, एक मतलब नए मैच में जहाँ पे हम उतरे हैं जॉर्जो पूल में। और ये एक बढ़िया सी टीम है, मतलब मेरी नहीं है पर बढ़िया बंदे हैं यार, मज़ा ही आ गया इनके साथ खेल के। क्या बात कर रहे थे ये एक दूसरे से, मतलब इनकी खुद की टीम थी, मैं घुसा था नया पर मज़ा आ गया, सबसे बात कर रहे थे ये। जब भी ऐसी टीम के साथ खेलता हूँ ना जो आपस में बात कर रहे हैं और मतलब दूसरों के साथ भी बात करते हैं, मज़ा ही आ जाता है यार, मतलब दिल खुश हो जाता है। तो खैर यहाँ पे उतरता हूँ मैं, शॉटगन और मिनी 14 होती है मेरे पास, बड़ी मुश्किल से मेरे को फिर कार 98 मिलती है। पर मेरे को फिर बाद में पता लगता है कि दोनों स्नाइपर आ गई हैं और दोनों में से कोई ऑटोमेटिक नहीं है, तो हमारा काम ख़राब हो गया बिल्कुल ही। तो आधा पौना घंटा मतलब काफ़ी देर, 5-10 मिनट मैं ऐसे ही घूम रहा था, तब जाके मेरे को ये मिलती है उजी। और उजी की गोलियाँ मैंने भाई साहब इतनी छोड़ी, हर बिल्डिंग में छोड़ी कि मेरे को लग रहा था नहीं मिलेगी उजी, और अब मिल गई है तो गोलियां नहीं है मेरे पास इसकी। तो खैर अब जाने का टाइम हो गया, ये मेरे को बुलाए जा रहे हैं कि भाई चल ले 3 नंबर आजा, जा रहे हैं। और जैसे ही मैं इनके पास जाता हूँ, और तब तक मेरे पास गोलियां ही नहीं होती, अब मैं इनको क्या ही बोलूँ कि भाई मेरे पास गोलियां नहीं है। तो खैर कोई बात नहीं, एक स्नाइपर है और एक उजी है शॉर्ट रेंज, एक असॉल्ट है एक स्नाइपर है, और असॉल्ट में भाई गोलियां बिल्कुल नहीं है और इसमें स्कोप नहीं है स्नाइपर में। एक 4x का मिला, बड़ी मुश्किल से मिला। तो खैर यहाँ पे ये शाणपत्ती दिखाता है अपनी बंदा और बॉट को पेल देता है। अब इसकी शाणपत्ती की वजह से पूरी टीम ठिलने वाली होती है लगभग। तो खैर यहाँ पे जैसे ही मैं अंदर जाता हूँ पीछे से गोली पड़ती है, पता लगता है भाई बंदे आ गए पीछे से। अब यहाँ पे मैं खड़ा होता हूँ, मेरा होता है मत्था ख़राब, उजी हाथ में है और उजी से मैं तगड़ा खेल लेता हूँ, गोलियाँ होनी चाहिए क्योंकि बर्बाद करने के लिए। तो एक बंदा मैंने फटाफट से नॉक कर दिया, अब ये नहीं पता मेरे को रॉब बॉट है या फिर क्या है उनकी टीम का, पर पेल दिया मैंने। नाम से अवनी शर्मा लग रहा है तो बंदा ही होगा कोई, मतलब जेन्युइन बंदा। अब खैर यहाँ पे मेरी टीम भी नॉक हो चुकी है, 2 बंदे नॉक है। हम आते हैं भाई दिलेर बंदे, भाई तुम्हारा हीरो है, तो इधर आके मैं हेल्प करता हूँ। और ये गोलियाँ मांग रहे होते हैं एक दूसरे से, और मैंने इकट्ठी कर रखी होती हैं हरे पत्ते की गोलियाँ, तो मतलब मैं दे देता हूँ क्योंकि मेरे पास गन तो होती नहीं, तो मैं दे देता हूँ, चिल मार भाई तू। अब इतने में नेड फटता है, सामने से नेड आता है और वो फटता है, तो अब दिक्कत आ जाती है क्योंकि हमें मारना होता है बंदों को पर हमें बंदे नहीं पता कहाँ हैं। तो मेरे टीम में कहता है कि इस घर में है, इस घर में 2 बंदे हैं वो कहता है, तो अब मारना है और कोशिश करनी है। अब देखो तुम सीन क्या बैठता है, सामने 2 बंदे हैं, मेरे पास स्नाइपर है, तो मैं मतलब कोशिश करता हूँ कि स्नाइपिंग करूँगा इस पे, और स्कोप कौन सा लगा है 2x, मैं वही उठा के मारने लग जाता हूँ। इतने मैं देखता हूँ कि बंदा नॉक हो गया। अब हम जाते हैं, अब मेरे से जंप नहीं हो रही, मतलब यार इतना एकदम से हलचल हो जाती है ना, हड़बड़ी में कुछ नहीं हो पाता। तो खैर कोई बात नहीं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं साथ साथ। अब मैं इधर आता हूँ, इधर आके देखता हूँ मैं, इधर हरे पत्ते की गोलियाँ पड़ी हैं, गन भी पड़ी है, पर मैंने सारी त्याग दी तो अब क्या ही करूँ मैं। तो मैं आगे जाता हूँ उजी की गोलियाँ इकट्ठी करने की उम्मीद में कि मेरे को गोलियाँ मिलेंगी और कुछ मतलब फ़ायदा रहेगा। इधर आता हूँ, इधर कुछ मिलता नहीं है। अब मैं मतलब काफ़ी घर छान मारता हूँ इसके बावजूद, ये वाला पार्ट स्किप कर देते हैं। तो अब हमें बंदा तो मिलता नहीं है, तो मैं आगे की तरफ जो घर होते हैं छान मार लेता हूँ, पर मेरे को गोलियाँ भी नहीं मिलती। तो मैं बाइक उठाता हूँ और पीछे की तरफ भागता हूँ उन घरों में जहाँ मैंने गोलियाँ छोड़ी थी उजी की, इन बड़े बड़े मकानों में। अब मेरे को ढूंढना पड़ेगा कौन सा। तो खैर मेरे को याद आता है पेटी पड़ी है, मैं पेटी की तरफ भागता हूँ और गोलियाँ पड़ रही होती हैं कहीं से, और पल्ले ही नहीं पड़ रहा होता मेरे को कहाँ से पड़ रही है। पेटी की तरफ पड़ता हूँ, सॉरी पेटी की तरफ भागता हूँ, तब गोली पड़ती है। मतलब कर क्या रहा था यार ये बंदा। इतने में मेरा टीममेट नॉक हो जाता है, नॉक के साथ उसकी पेटी भी बना दी जाती है, और मेरी गलती सारी कि मैं वहाँ नहीं था, मतलब कह सकते हैं यार मेरी गलती। दूसरा भी नॉक हो गया और एक बंदा संभाल रहा है वहाँ पे, नंबर 1 संभाल रहा है, मैं नंबर कौन सा हूँ, नंबर 3। मैं जाता हूँ हीरो बन के, मतलब यही सीन रहता है यार, एक बंदा लड़ रहा है अकेले, मैं आता हूँ सबसे पहले रिवाइव देता हूँ इस बंदे को, और वो डायरेक्ट कर रहा है कि कहाँ पे है, मतलब डायरेक्ट कह रहा है, असिस्ट कर रहा है कि कहाँ पे है बंदा, इंस्ट्रक्शन दे रहा है मोर लाइक। और पीछे से जोन दिख रहा था, मतलब जोन आ रहा था। इतने मेरे को बंदा दिखता है, मैं गोलियाँ मारता हूँ और हर बार की तरह बस डैमेज ही दे पाता हूँ, बॉट वाली हरकतें। इतने में वो बाहर निकलता है, उसको गोली पड़ती है, मैं अंदर जाता हूँ और पेल देता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने करा हील,
क्योंकि भाई सॉरी पिकअप करा, क्योंकि लुटेरे लोग हमें, और सबसे पहले कार 98 हटाई। मैंने पता नहीं क्या सोच के कार 98 हटाई, कार एल उठाई, फिर हील करा, और फिर मैंने AKM उठाई। पता नहीं क्या ही नशे चल रहे थे। अच्छा अब मेरे को पता लगा कि क्या हुआ गड़बड़, अभी तुमको देखने को मिलेगा। थोड़ा सस्पेंस स्टोरी छोड़ देते हैं। पता लगा क्या गड़बड़ हुई? तो मैंने स्कारल और AKM दोनों उठाई, और मेरे को लगा अलग अलग जगह उठाई, पर मैंने उजी को चेंज ही नहीं करा। मेरे को लगा स्कारल और AKM दोनों आ गई हैं, पर उजी नहीं गई और सिर्फ AKM थी। और ये थोड़े गेम के नशे। तो खैर वहां से निकलते हैं हम, और मैं उठाता हूँ अब माइक, क्योंकि यार इनकी बातें इंटरेस्टिंग हो रही थी। सॉरी, मैं उठाता हूँ अब लीड, लगाता हूँ ईयरफोन, लगाता हूँ कि अब भाई मैं भी बोलूंगा कुछ ना कुछ। और यहाँ पे तभी मेरा प्लेयर बैठा हुआ है, चिल कर रहा है, और वो जाके लड़ाई कर रहे हैं। और मेरे को पता लगा मेरी वजह से ये पिल जाते हैं, मेरी वजह से इनकी पेटी बनने को होती है। तो आगे वो बंदा जाके लड़ रहा है, और उसकी लगभग पेटी बनी गई है, नॉक हो गया वो। मैंने एक को यहाँ पे नॉक करा और उसको मार रहा हूँ, इतने मेरे को पता लगता है भाई गोलियाँ ही नहीं है मेरे पास उजी की। फिर AKM संभालती है, AKM से सहारा मिलता है, और मैं जाता हूँ फटाफट से पेटी लूट रहे हैं। भैया पेटी चाहिए हमको सबसे पहले, और इसमें मिलती है मेरे को M416। भाई गन उठाता हूँ, फटाफट से रिवाइव देता हूँ बंदे को, और मजा ही आ जाता है। मतलब उसको मजा आ जाता है, मेरे को भी, मेरे को उठाने नहीं दिया, थोड़ा दुख हुआ। तो खैर अब यहाँ पे मैं उठाता हूँ और मेरा बैग भर जाता है। भाई यार मेरे पास ना यार जगह नहीं बची, मैं कैसे। अब इतने में आगे के जाता हूँ, आगे वाली पेटी लूटने। और ये क्या था भाई? माइक। हाँ माइक, मैं माइक पता नहीं क्यों ये परमिशन लेता है। और जब भी मैं स्क्वाड वाला खेलने वाला होता हूँ ना, इतने में वो मेरे को सोलो उतार देता है, सोलो स्क्वाड। सामने से मेरे को ये बॉट टाइप का बंदा आता है, वो दिखता है, मैं गोली मारता हूँ और बच जाता है। और ये बॉट ही है यार। हाँ मामा 104, 1004, ये नाम के बॉट ही है, पता नहीं कुछ भी नाम लग देते हैं। और इस भाई को डर लग जाता है। तो खैर अब यहाँ पे एक और बॉट दिखता है, और मेरे को दुख इस बात का है कि गोलियाँ मैंने मारी पर किल दूसरे के पास गया। बुरा लगता है यार, मतलब सही में बुरा लगता है यार, मैं गोली मार रहा हूँ, बर्बाद कर रहा हूँ। तो खैर अब यहाँ पे और गोलियाँ उठा लेता हूँ, मैं फुल स्टॉक कर लेता हूँ पूरा सब कुछ, पर मेरे पास M4 की गोलियाँ भी इतनी नहीं हैं। 100 गोलियों में क्या ही होता है यार, जब ढंग का स्प्रे नहीं है। तो मैं उठाता हूँ गोलियाँ, पर मेरा बैग फुल है। तो मैं जा रहा होता हूँ दूसरी पेटी की तरफ, और थोड़ा बैग हल्का करने, ताकि मेरे को M4 की गोलियाँ मिल सके। यार पूरी बर्बाद करूंगा मैं। और ये पीछे से बुलाते हैं, सुनो क्या कह रहा है ये। गलत बात है। अरे आ रहा 3 नंबर, आ जा, देख पेटी लूटने गया साला। को भी M24 मिल अब इनको मैं कहता हूँ कि किसी को ATX चाहिए, और ये आ जाता है भागता भागता। ATX देने के बाद मैं कहता हूँ मैं जा रहा हूँ गाड़ी लेके, और ये देखो क्या कहता है। अरे यार रुक यार, ऐसा मत कर यार। बस ऐसे सीन करके तो मजा आ जाता है यार, मतलब हंसी नहीं बंद हो रही थी मेरी उस टाइम। तो खैर अब यहाँ से निकलते हैं हम पोचिंकी के पहाड़ियों से, मतलब चर्च वाली जगह से। और जब तक मैं बंदा देखता हूँ, ये नॉक कर चुके होते हैं, बॉट होगा शायद। तो खैर पीछे मैं बेमतलब में गोलियां चलाने की आदत है, नॉक बंदा देखा नहीं कि गोलियां चला दी, पर यहाँ पे मैं रियल बंदे पे गोली मारता हूँ। पता नहीं शायद बॉट होगा, क्या किलर नहीं, बंदा ही है जैनवन। तो इस बंदे पे गोली मारता हूँ, और हम जाते हैं पूरी टीम असॉल्ट करने, मतलब पूरी टीम पेलने। और यहाँ पे मेरे को पता नहीं कहाँ से गोलियाँ पड़ी भाई, समझ नहीं आया। एक बार दोबारा देखो, यहाँ से हमने ली घर में एंट्री, मतलब मैंने तो ली यहाँ से एंट्री, और सामने देखो खिड़की पे, जो लेफ्ट साइड में है खिड़की, वहाँ से गोलियाँ चल रही हैं, ये देखो। और मैं ऊपर चढ़ चुका हूँ, मेरे को अब जाके पड़ी हैं गोलियाँ। कैसे मेरे को पल्ले नहीं पड़ा अभी तक, कैसे मेरे को गोलियां पड़ी हैं? ओह सॉरी, मेरे को पता लग गया, इस बंदे के पीछे पीछे आया था। एक बार दोबारा दिखाता हूँ तुमको कैसे हुआ सीन। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी, दरवाजे से इसने एंट्री करी, और दरवाजे से ही गोलियां पड़ी थी, ये देखो। पर मेरे को ये नहीं समझ आया कि इस खिड़की पे गोली कैसे पड़ी थी। खैर अब वहां से पड़ी, और वो पीछे से बंदा आया, मेरे को पूरी डैमेज दिया तगड़े वाला। एक गोली और पड़ती, मैं नॉक था, और वहीं पे मेरी पेटी बन जाती, क्योंकि ये बंदा रिवाइव नहीं कर पाता,
क्योंकि मारने जाता है यार ये खुद मेरे पे ही गोलियां मार रहा था डर के मारे। खैर टिका यही था सबसे एंड तक, फिर कोई कुछ दिखाते मैं पहुंचा टॉप पे और यहाँ पे मैं बैठता हूँ रिवाइव करता हूँ और मैं फिर ढूंढने जाता हूँ ये बंदा गोली मार कहाँ से रहा था, क्योंकि मेरे को अभी तक पता नहीं था। अब यहाँ से हेल्थ बढ़ाने के बाद हो जाते हैं सीन स्टार्ट, मैं आ जाता हूँ फुल चौड़ में फुल कॉन्फिडेंस में कि भाई पेटी तो मैं बनाऊंगा, मेरे को लगता है सामने वाले घर में था वो बंदा, और इसी गलत फहमी की वजह से मेरी पेटी बनने को हो जाती है। प्लेयर ये कौन हुआ था देखो मैं पूरा ढूंढता हूँ, मतलब पूरा इंस्पेक्ट करके जाता हूँ कि बंदा सामने है कहाँ पे है, मेरी टीम पूरी पीछे खड़ी है, मतलब दो लोग जो भी हैं दोनों पीछे खड़े हैं, और मैं फिर एक कोल्ड ड्रिंक मारता हूँ और टूट पड़ता हूँ। अब यहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंस में जाता हूँ कि भाई पेटी तो मैं बनाऊंगा और जाके पूरा घर छान मारूंगा, मेरा मेरा इरादा होता है ऊपर जाऊं, पर सामने पर लेफ्ट साइड से मैं बंदा देख लेता हूं और उस पे गोली मारने चला जाता हूं, स्कोप खोलता हूं इतने में पेड़ के पीछे और गोली मारने का मौका नहीं मिलता, जब गोली पड़ती है मेरे को पड़ जाती है गोली और इधर मेरी बन जाती है नॉक की पेटी। मेरे ख्याल से इसने तो मारा भी नहीं होगा, ये लेफ्ट वाले बंदे ने मारा होगा, ये जो लेफ्ट से आ रहा है ना ये, हाँ बस ये इसी उछलते कूदते खरगोश ने इसने मेरी पेटी बना दी थी लगभग। और उधर मेरा तीसरा टीममेट भी नॉक पेटी बन चुकी है और अब एक ही बंदा बचा है हमारी टीम से जो कि मेरी पूरी उम्मीद है। अब वो उसको नहीं मार पाएगा तब तक मेरे को कैसे बचाएगा, और वो छुपा पड़ा है पेड़ के पीछे मस्त चिल मार रहा है, पूरी गेम बर्बाद कर दी है मेरी, मतलब मेरी गलती की वजह से। अगर मैं टीम के पास होता तो उसको भी बचा लेता और इनकी भी पेटी बन जाती टाइम से, पता नहीं क्या भूत चढ़ा था, सिर पे भूत चढ़ा है किल करने का। हाँ तो बस ये बंदा स्मोक बर्बाद कर देता है मेरे पे और इधर पेटी बन जाती है। अब हम मतलब बाकी जो तीन मेंबर जो देख रहे थे इसकी टीम के, हम इसको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई इधर जा उधर जा, और मेरे सुपरविजन में मतलब मैं जो जो बोलता हूँ ना इसको मानता है बंदा मेरे को, भाई ग्रेट मान रहे थे, इसके 5 किल हैं मेरे 6 थे ठीक है, तो मतलब इसको भी हम पूरा इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई इतने लोग हैं तू बाहर जाएगा तो ये हाल होगा, मतलब मैं पूरा कंडीशन बता देता हूँ जो जो मेरे को लग रहा था। और बाहर और जब ये बाहर जाता है ना तो ये बात सुनना दूसरा बंदा क्या कहता है सुनो। एक तो मैं एक आ गया था रे रे इसको, ओ भाई भाई मुझे भी नहीं मारा था कुत्ते ने, ये छोटे मोटे जोक्स ही भाई हंसा हंसा के पागल कर देते हैं। ये कहता है भाई मुझे भी इनने ही मारा था कुत्ते ने, मेरी हंसी नहीं बंद हो रही थी, मतलब ऐसे बंदों के साथ खेलने में मजा आता है यार, कितने मस्त बात कर रहे थे ये। तो खैर भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।